हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर एंड कंजर्वेटरी एग्जामिनेशन पर। ठीक है, जेपीएससी ने इसी साल 2024 में बहुत ही अच्छा एक निकाला है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बहुत ही अच्छी सरकारी जॉब है जिसमें कि फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपसे एप्लीकेशन डिमांड किया गया है, और फॉरेस्ट ऑफिसर का ही एक स्टेप आगे का जॉब है कंजर्वेटर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जा रहा है, इस पर हम बात किए थे। और बहुत ही अच्छा इसका पैटर्न वगैरह है, हम लोग देखे थे एग्जामिनेशन का। ठीक है, जिसमें कि सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, और आप एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर या तो कंजर्वेटर आपको बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अभी 10 अगस्त तक इसका डेट दिया हुआ है फॉर्म भरने का, और आप लोग फॉर्म इसका भर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक नहीं भरा तो भर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद ऐसा जॉब आया है तो होने के काफ़ी चांसेस हैं, स्पेशली जिन्होंने बीएससी कर रखा है साइंस में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, फिजिक्स में, बॉटनी में। ठीक है, तो जिनका या तो साइंस स्ट्रीम से है, या जिन्होंने एग्रीकल्चर में कर रखा है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है मैकेनिकल में। तो इस वालों देखे थे कि मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए भी बहुत अच्छा चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका जो है सिलेबस हम लोगों को नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो एग्ज़ाम है, तो अगर हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें, ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका जीएस है। ठीक है, और 400 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन से है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसको लेकर के है। ठीक है जी, और 50 मार्क्स का यहाँ पे है इंटरव्यू। तो ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो है 550 पर आपका टोटल जो है मेरिट बनेगा, और उसके बाद जो है फिर आप आगे के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है वो ये 400 नंबर है। इस 400 नंबर में आपको जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जो भी आप चूज करेंगे, वो आपको दो पेपर में देना है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 भी 200 नंबर का होगा और पेपर 2 भी 200 नंबर का होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप कितना ला सकते हो, और ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी आपको जैसे आप 11 12 में ग्रेजुएशन में आप क्वेश्चन आंसर देते आए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको उसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो जीएस है, ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी हम लोग देखे थे, ये ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन में। और अगर हम लोग कंजर्वेटर वाला एग्जाम का बात करें तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। कंजर्वेटर वाले एग्जाम में क्या है, जीएस जो है वो भी आपका 200 मार्क्स का है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन से है, तो उसमें आपको दो सब्जेक्ट चुनना है, कोई भी दो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, 1 और 2, दोनों आपका दो दो पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2, इस भी ये भी आपका पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, और सब और हर पेपर आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे टोटल जो है 800 मार्क्स हो जाता है, कह सकते हैं आप। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में जो भी दो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, कैसे चूज करना है, सब हम लोग बात कर चुके हैं, आप नीचे जाकर के इसका देख सकते हो वीडियो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। बट ये 800 का एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे इंटरव्यू है, इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वो आपका 150 मार्क्स का है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे देख लेना, शायद जीएस शायद 100 ही नंबर का था ना। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, जीएस वाला आप एक बार मिला लीजिएगा कि जीएस से कितने नंबर का था। ठीक है, तो जीएस जैसा मेरे को याद आ रहा है, तो टोटल जो है यहाँ पे आपको 1350 नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो ये 200 हो गया, और इधर आपका हो गया 800। ठीक है जी, और 150, अच्छा शायद उसमें ना जीएस भी दो पेपर में है, दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, 200 200, यानी कि ये आपका 400 का होगा। ओके, अब पूरा सब्जेक्टिव होगा ये जीएस भी, हम लोगों का ये दो पेपर में होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5400 ग्रेड पे का एग्जामिनेशन है, थोड़ा बड़ा एग्जाम है, तो यहाँ पे दो पेपर होगा इसका, 400 इधर हो गया और 1200, तो टोटल जो है 1350। ठीक है, तो 1350 नंबर का ये एक बड़ा एग्जाम होगा, इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है जी, तो ये हो गया हम लोगों का कंजर्वेटर का। ओके, तो ये मैंने डिटेल में बात किया है आपसे, आप जाकर के वहाँ पे एक बार अपना मिला लेना, मैंने जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 550, ये बिल्कुल सही है। तो अब देखो, यहाँ पे जो मेजर है ना, वो ये है कि आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास में सिलेबस जो मिसिंग था, तो वो सिलेबस मिल गया है, एक झारखंड गजट में उसको दिया है, शामिल किया है। ठीक है, तो वहां से हम लोग अभी सिलेबस देख लेंगे। तो आपको पहले सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपका काफी स्ट्रांग रहेगा उसको आप चूज कीजिए।
तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गजट, ठीक है, वो जो गजट है। और मैं आपको मैथ के लिए बात करूंगा यहाँ पे, कि मैं चूंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की तैयारी आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर वाले में तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चुनेंगे मैथ। अगर मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप चुनोगे तो उसका दो पेपर हो, दो पार्ट होगा, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, दोनों दो दो सौ नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक तो आपका जो काफी जो आप जिसमें आपका कमांड है वो पेपर होगा, लाइक मान लो आपका मैथ है। दूसरा, अब आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया था। तो आप यहाँ पे चाहो तो फिजिक्स ले सकते हो या केमिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर ले सकते हो, जो भी आपके लिए आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो अब यहाँ पे आपको दो पेपर का करना है, तो आप एक पेपर मैथ अगर करना चाहते हो तो यहाँ का एक पेपर भी आप कर लोगे, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है। जो इसका तैयारी होगा वही इसका भी तैयारी होगा, ठीक है, तो सेम सिलेबस है। लेकिन एक और स्पेशल पेपर लेकर के आपको एक्सपर्ट से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफी अच्छा लगा करके रखा है। कह सकते हैं कि जो एक CSER नेट का मॉड्यूल होता है, तो आजकल तो कॉपी पेस्ट चलता है ना, तो उसी सिलेबस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बट आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये झारखंड का वो गजट है जो मैंने आपको बताया कि जो है 14 मार्च 2024 को ये रिलीज किया गया था, और इसमें सारा कुछ है। ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से ये आपको गजट जारी किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें वो सारी बातें हैं जो कि अभी आपको जो निकाला गया है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आप जाके आप झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, इसी के वेबसाइट से, ठीक है। और या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल आप चले जाओगे, MSC लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे PGT TGT तहसीन सर, ठीक है। तो इसमें आपको भी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका पूरा PDF। और चाहो तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ले लो, ठीक है जी। तो कहीं से भी लेकर के एक बार आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ, और स्पेशली मैं यहाँ पे मैथ्स की सिलेबस आपको दिखाऊंगा, तो आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, जैसे कि ये आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पे गजट, और गजट में आपका ये पूरा वो चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना एज तक आप भर सकते हैं। ये सब आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस वगैरह का सब कुछ दिया हुआ है, आपको कितना कम से कम पास करना पड़ेगा ये, ठीक है, और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सब चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो आप सिलेबस की तरफ चलते हैं, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। तो देखो, ये जो है यहाँ पर आपके, ये आपका देखो सिलेबस शुरू हो गया। तो देखो, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर का है, ठीक है। अभी मैं चूंकि सबको बारी बारी से नहीं बता रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा सिलेबस दिया हुआ है, जिसको कि CSER नेट लेवल पर भी चलाया जाता है, ठीक है, तो अच्छा सिलेबस है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ का आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैथ का जो है सिलेबस है, ठीक है, मैंने आपको जूम करके यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं ना कि आपको क्या क्या मैथ में पढ़ना है। तो पेपर वन की पहली बात करें अगर हम लोग, तो पेपर वन में सबसे पहले देखो लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, और एग्जैक्टली लीनियर अलजेब्रा में जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी बेसिस के बारे में, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में, मैट्राइसिस, कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो कॉलम रिडक्शन कुछ भी नहीं छोड़ा है, इक्वेलेंट फॉर्म, ठीक है, मतलब मैट्राइसिस, लीनियर अलजेब्रा दोनों यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं लिखा है, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग देखो, ये सब कॉपी पेस्ट रहता है, तो जो मिसिंग है ना उसको मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस को फोकस किया गया है, कैनोनिकल फॉर्म वगैरह, रैंक, ऑर्थोगोनल साइमेट्री, ठीक है, ये पूरा आप देख लेना। तो आप कह सकते हैं कि आपको लीनियर अलजेब्रा का पूरा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, ये मेजर बुक में आता है। मेजर बुक का मतलब ये है कि आपको जैसे एग्जाम में ऐसे तो पास करने के लिए बहुत कम ही कट ऑफ है ना, ठीक है, लेकिन अब आप मेरिट में आने के लिए आपके पास ये होगा कि आप जितना अच्छा करोगी उतना। और याद रखो, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, और अगर मैथ्स की बात करें तो आपको सोल्व करके लाना पड़ेगा। तो ऐसे में हर एक टॉपिक पर 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 कमांड नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। 100% आपका कमांड हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जिस पेपर पे कमांड हासिल कर सकते हैं उस पे आप कमांड हासिल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपका हो सकता है कि 70% ही बने, लेकिन अगर आपका सब एक्यूरेट बनता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिए, 100% पर जाने की जरूरत नहीं है कि हम सबको लमसम पढ़ के जाएं, जी नहीं, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना है, डिटेल में पढ़ के जाइए। और यहाँ पे देखो, कॉपी पेस्ट वाला चलता है, ठीक है, यही सिलेबस आपको PGT में भी दिखा था। तो अब ये है कि सिलेबस पे आप मत जाइए, मैं जो आपको सलाह दे रहा हूँ आप उस पर काम कीजिए, जो मेजर बुक्स हैं उस पर फोकस कीजिए, उनका क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा, बना के आइए, आपका पक्का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो एक लीनियर अलजेब्रा हो गया, फिर देखो यहाँ पे कैलकुलस, ये भी मेजर बुक आता है,
तो इसमें रियल नंबर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये पूरा आ गया, ठीक है। 11, 12 ग्रेवेशन सब कुछ इसमें आपको जानना पड़ेगा। मीन वैल्यू थ्योरम्स हो गया, ठीक है, टेलर थ्योरम रिमाइंडर का, इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, एजम्पटोट्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, तो ये सारी बातें यहाँ पे आ रही है। जैकोबियन, रीमान, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो ये सारा यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, बीटा गामा फंक्शन, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, सब कुछ लिख दिया इन लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फेमस है ग्रेजुएशन में, सीएसएआर नेट के फील्ड में भी फेमस है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक्सपर्ट जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी रीजन से ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिटिक ज्योमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री में कार्टेजियन और पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका लाइन, एसक्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइन्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, कन्वर्सन ऑफ कार्टेजियन और पोलर फॉर्म तो आप देख ही चुके, प्लेन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, तो सिलेंडर पैराबोलॉइड इसे बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन, स्फीयर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ आप इसमें कोन भी देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो भी है फॉर्मुलेशन हो गया, ऑर्डर डिग्री हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सारी बातें यहाँ पे आपको आपको देखनी है अच्छे से, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये सारा चीज यहाँ पे आपको इसको देखना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये सारा चीज देखो मैंने कवर कराया है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलमोस्ट मैंने कवर कराया है, कह सकते हो कि सिलेबस का 90% जो मेजर पार्ट होगा उसको मैंने कवर कराया है। बट उसमें भी मेरा सजेशन ये रहेगा प्रायोरिटी लेवल पे कि आप जितना भी बुक कवर कर सकते हैं उतना बुक कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सो दैट के मेरे को लगता है, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देगा जिसको कि मिक्स क्वेश्चन बोलते हैं, कि एक क्वेश्चन में ही आपको दो तीन चीज पूछ दे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन देकर के बोल दे कि भाई 10 में से कोई 8 बनाइए, ठीक है, आपको बोल देगा एनी 8 out of 10, कोई भी आप जो है 10 में 8 बनाइए, लेकिन उसमें आपको ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आप पिक करोगे हो सकता है उसका आधा पार्ट जानोगे आधा पार्ट नहीं जानोगे। और आजकल जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, मतलब पूरा उसका इंटायर कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो इस ऐसे केस में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, अगर वो क्वेश्चन का आप पूरा पोर्शन जानते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बनिस्बत इसके कि आप ज्यादा क्वेश्चन बना करके आओ, इस पर कभी ध्यान नहीं देना, और मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि सब्जेक्टिव देख करके बहुत ज्यादा ये नहीं होना कि आपको बस सब पढ़ लेना है और कुछ भी लिख के चलाना है, जी नहीं, आपको कमांड हासिल करना है। तो लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छा बुक है, 2D में कर सकते हो, यहाँ पे जो 3D है एनालिटिकल ज्योमेट्री उसमें कर सकते हैं, ODE में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कुछ फिजिक्स का पोर्शन दिया है, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स का, एग्जैक्टली वो सारी बातें हैं जो कि अभी आप इसको जनरल मैकेनिक्स में भी देखते हो, जनरल फिजिक्स में भी देखते हो, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि आपका एग्जैक्टली PGT पे भी था, ओके। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, ये सारा मैंने आपको कवर कराया हुआ है, इसको आप देख सकते हो, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है, एक वेक्टर एनालिसिस भी है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें स्केलर और वेक्टर फील्ड, ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे आ रही। तो पूरा जो वेक्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे आपको पूछा गया है, गॉस स्टिक्स थ्योरम हो गया, ठीक है, ये पूरा। अच्छा, इसमें मैथ में एक बात मैं आपको बता दूं ना कि आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि आपको थ्योरम पूछेगा, जी नहीं, कहीं पे कुछ एक का प्रूफ आपको पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना चांसेस कम है आपको, ठीक है, ये मैथ्स का एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको कि आपको बना करके दिखाना होगा, ठीक है, मोस्टली। हाँ, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, डेफिनेशन पूछ सकता है, किसी को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, बट आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पेपर वन का हो गया। पेपर टू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेपर टू में जो मेजर बुक है उसमें अलजेब्रा आ रहा है, ठीक है, जिसमें ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमोर्फिज्म, ग्रुप कोशियन ग्रुप्स, बेसिक आइसोमोर्फिज्म थ्योरम, साइलो ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, कैले थ्योरम, रिंग एंड आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल, डोमेन यूनिक, UFD, ठीक है, ED, फील्ड एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ है। अगेन इसमें भी देखो रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट है, जिसमें के रियल नंबर सिस्टम हो गया, ऑर्डर सेट हो गया, बाउंड्स, ठीक है, ऑर्डर फील्ड, रियल नंबर सिस्टम, ये सारी हो गई इसमें। कोशी सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये सारी बातें। फिर से देखो इसमें रीमान इंटीग्रल को डाल दिया है, ऊपर भी था, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है जी, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, तो हर जगह से उठाया है, चाहे वो सेमेस्टर वन की बात कीजिए, सेमेस्टर थ्री की बात कीजिए, हर जगह से देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हर जगह से उठाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए
हो सकता है कि थोड़ा आपको टफ पड़े, बट इसमें से भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है जी। ओके अच्छा, फिर इसमें देखो बहुत एक फेवरेट बुक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें एक एनालिटिक फंक्शन, कुशी रीमाई इक्वेशन, कुशीज थ्योरम, कुशीज इंटीग्रल फार्मूला, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटी, कौशी रेसिड्यू थ्योरम, ये सारी बातें यहाँ पे है, मैपिंग वगैरह, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप देख सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड सॉल्यूशन है, डुअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, ये सारा आप ट्वेल्व में भी, ये सॉरी पीजीटी मैथमेटिक्स में भी देखे थे। ओके फिर इस वाले पार्ट टू में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, तो उसमें जो फेमस लैग्रेंजेस का फॉर्म है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर डाला हुआ है, हायर ऑर्डर के भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुशीज मेथड वगैरह है, चार्किट्स मेथड से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में आप देखोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह भी है, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स होगा, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन, इसमें आपका बाइजेक्शन, रेगुलर फालसी, न्यूटन राफसन मेथड, ये सब तो सब आप बीएससी में पढ़ चुके हो, वो सारी चीजें हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सीमंस वन थर्ड रूल, ठीक है, फिर आपका गाउसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये सब आप देख सकते हैं। ओके और फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो अब देखो जैसा मैंने आपको बताया लास्ट में, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ फिजिकल आपका मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह। तो ओवरऑल देखिए सिलेबस में सब कुछ उठा के डाल दिया, मैं आपको बताऊं अगर तो ग्रेजुएशन लेवल पे जितना भी मैथ चलता है ना, कुछ जो स्टैटिस्टिक्स में भी चलता है, सबको उठाकर डाल दिया है और सबको बस लिख दिया। तो मैंने आपको बताया ये कॉपी पेस्ट होता है, तैयारी आपकी स्ट्रेटेजी से होगी, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, आपको दोनों पेपर में कुछ ना कुछ जो है पहले सिलेक्ट करना है कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं और फिर उसमें आपको कमांड हासिल करना है। मैं अगर सजेस्ट करूं आपको तो जिससे श्योर शॉट क्वेश्चन भी आएगा और आपको एग्जाम में बनेगा भी, उसमें एक है आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा ही आपको बिल्कुल क्वेश्चन देगा, ठीक है, आप चूज कर लो ये कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस चूज कर लो, इसको ये भी काफी अच्छा देगा आपको। आप जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है, एनालिटिक ज्योमेट्री। तो अगर हम लोग फोर की बात करें कि फोर पेपर हमको चुनना है, तो ये फर्स्ट फोर पेपर आप चुन सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बिंदास, और उसके साथ आप इसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा गहराई से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि चार पेपर आपका बहुत स्ट्रांग रहे, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा ये वेक्टर वाला भी आप चूज कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको भूल गया, तो ये पांच में से कोई भी आप चार को चूज कर लो। तो मैं सलाह दूंगा जैसा बच्चों का कंडीशन रहता है, वन चूज कर लो आपके लिए, अगर इजी चूज करना है तो वन, ये एनालिटिक ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर एनालिसिस, ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप इसको शामिल कर सकते हैं कैलकुलस को, तो बहुत बेस्ट रहेगा ये आपके लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी चार इसमें से पिक कर लो और बाकी दो की तैयारी भी आप रखो, ठीक है जी। अब पेपर टू में भी बात करें तो आपको एकदम अलजेब्रा तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, इसको आप चूज कर लो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आपको पक्का क्वेश्चन देकर के आएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप चूज कर लो, ठीक है। अब इधर रियल एनालिसिस, ये या तो इसको पूरा पकड़ो, इसको अगर छोड़ते हो तो आपको पकड़ना पड़ेगा लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एनालिसिस को, ठीक है, जिसमें कि आपका वो सीमंस का वो इंटीग्रल रूल भी आएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कोई भी चार टॉपिक आपको पकड़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पकड़ोगे और उसमें आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, ताकि एक क्वेश्चन अगर तीन चार पार्ट में भी आपसे पूछ रहा है तो आप उसका बहुत फ्रेंडली आंसर दे सकें, डिटेल आंसर दे सकें, ठीक है जी। तो आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और ओवरऑल पूरे 100% सिलेबस से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। जो मेजर पार्ट्स है, लगभग 80% पार्ट जो मेजर है उसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे हम लोग पीजीटी में भी देखे थे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर ये फिजिकल मैथमेटिक्स ये इतना इतना, तो ये सब देखो बहुत लेंदी लेंदी थ्योरम है इसमें, ठीक है, आपसे थ्योरम हमें पूछने ही आ रहा है। अगर इसका क्वेश्चन इसको पूछना होगा तो ये फिर 11-12 लेवल से पूछेगा, क्योंकि 12 लेवल में जितना अच्छा फ्लूड्स के बारे में दिया है, ठीक है, या फ्लूड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, बर्नौली थ्योरम है, ठीक है, दूसरे और भी रूल्स हैं, तो उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ज्यादा जो है मतलब प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, तो उनको बनाना ईजी होता है। तो खैर आप कॉन्सेप्ट सब देखिए, लेकिन जैसे मैं टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ, अब आपको कितना टाइम देता है इस पे भी डिपेंड करता है। तो जो भी टाइम आपको मिलता है, अगर ये सरकार ले लेती है एग्जाम देन बेस्ट, अगर ये नहीं ले पाती है, ठीक है, अगर आपका इलेक्शन के बाद आपका होता है तो आप जो है तैयारी अच्छे से करिए, स्मूथ तैयारी कीजिए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। पेपर टू के लिए जो भी टाइम मिलता है उसमें बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी कीजिए। वन बाय वन मैंने कोर्स आपको दिया हुआ है, कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो वन बाय वन आप मेरे कोर्स पे जाओ, ठीक है, और कोर्स से तैयारी करो, मैथ्स की आप तैयारी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप जाएंगे और आपको ऊपर में ही ये कोर्स दिख जाएगा, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का मैंने कोर्स लगा करके रखा है मैथमेटिक्स का फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, ठीक है।
तो ये पूरा सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे 85% सिलेबस डाल दिया है। 15% वही जो कि मेजर पार्ट नहीं है वो मिसिंग होगा, ठीक है, वरना 85 to 90% मेरे को लगता है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 90% कह सकते हो कि वहाँ पे सिलेबस अपलोड है, ठीक, कुछ चीज़ें मिसिंग है वहाँ पे एक दो, बट अगर आप एग्जाम के हिसाब से बात करोगे तो 100% है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहाँ पे बिल्कुल एक साल का मेटेरियल है। हाँ, अगर आपका पहले से CSAR नेट वगैरह बहुत तगड़ा है तो आपको बस रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सबको पढ़ना चाहते हो कॉन्फिडेंस से अच्छे से, तो आपके पास में वहां पे एक साल का टाइम चाहिए। तो अभी जो भी टाइम आपको मिलता है उसमें आप वन बाई वन पेपर वन को उठाइए, पेपर टू को, दोनों को टाइम देना शुरू कीजिए, ताकि अगर जल्दी एग्जाम हो जाए तो हम पेपर वन और पेपर टू में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकें। तो कंपटीशन बहुत टफ नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि साइंस वाले इसमें सिर्फ हैं, ठीक है, और लिमिटेड ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, जो कि अक्सर लोग या तो इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा उनका थोड़ा सा भूल जाते हैं अपने टॉपिक को, या तो थोड़ा उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट रहता है। तो चांसेस ज़्यादातर बीएससी वालों और एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो बीएससी वालों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स से मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसमें बहुत अच्छा गोल हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो कोर्स खरीदने, तो आप ध्यान देना कि कोर्स जो है मैंने मल्टीपल वैलिडिटी पे तैयार किया है, यानी आपको दो वैलिडिटी पे वो मिलेगा। एक तो आपको मिल सकता है 6 मंथ की वैलिडिटी पे, ठीक है, और एक आप ले सकते हो 1 ईयर की वैलिडिटी पे। तो 6 मंथ की वैलिडिटी पे जो कोर्स है उसका प्राइस वहाँ पे 5000 है, और 1 ईयर का जो कोर्स है उसका प्राइस वहाँ पे 7000 है, ठीक है। तो आप अगर 6 मंथ का ही लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन आप ध्यान देना कि आप का एग्जाम अगर लेट हुआ तो आपके लिए 1 ईयर वाला ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैं एग्जाम तक कोई कोर्स देता हूं तो उसका मतलब होता है 1 ईयर वाला कोर्स। अगर आप 1 ईयर वाला कोर्स लेते हैं तो ये एग्जाम टाइम तक चलता है, मतलब इसका मैं इसको, अगर मान लो 1 साल के बाद ये एग्जाम हो तो मैं उसको एक्सटेंड करके एग्जाम तक लेके जाऊंगा। तो ये 1 ईयर वालों को मिलता है, 6 मंथ वालों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो आप वहां पे मेरे से इंस्टेंट डाउट पूछ सकोगे व्हाट्सएप पे, वहां पे PDF भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको दिया। तो आपको पढ़ना अच्छे से है, कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है तो लगना पड़ेगा, याद रखिए एग्जाम एग्जाम होता है। अगर आप लगेंगे तो लगने वालों का होता है, और लगने वाले आज 10% से भी कम है। यही वजह है कि बहुत कम बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इस तरह का जॉब तो बहुत ही अच्छा जॉब है, एक रॉयल जॉब है, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा प्रमोशन है, आप काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो सीरियस लेने की जरूरत है, डेफिनेटली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा। कोई और अनदर अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए इसको, और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।